ट्रक यूनियन फिलौर वालों पिछले 18 दिनों तो लाया जा रहा धरना आखिरकार समाप्त हो ही गया। जिक्रयोग है कि ट्रक यूनियन ते किसान जथेबंदियों वालों हाईवे जाम करन दे कीते गए ऐलान तो बाद मामले की गंभीरता देखते हुए ADC जलंधर मेजर अमित सरीन ने विशेष तौर पर पहुँच के इस धरने समाप्त करवाया। इस दौरान ADC मेजर अमृत सरीन वालों ट्रक यूनियन ते किसान जथेबंदियों के अगुआ नाल लैके पैपसी फैक्टरी की मैनेजमेंट नाल मीटिंग भी करवाई ते मंगा नू पूरा करवाया। इस मौके ADC अमित सरीन ने आख्या कि उक्त मामले का हल करदिया हुण फैक्टरी नाल यूनियन का लिखती समझौता करवाया जाएगा ते ट्रक यूनियन दियां गड्डियां दा काम हुण फैक्टरी विच शुरू हो जाएगा। मैं पहले ब्रीफ कर चुका कि कंपनी के नाल गलबात हो गई, वाइस प्रेजिडेंट साहब के नाल दोआबा सोसायटी तो जी है वो इन की बिल्टी चलिया करेगी और कंपनी एग्री भी हो गई है इन्फ्लेशन के हिसाब न प्राइस राइज करने की जिदा डीजल के वधे प्राइस है उस तरह प्राइस में रखते हुए 7% तो बन गए 5 to 7 10% जल्दी शाम तक मैं फैसला दे देंगे तो हूँ इन्हों काम मिल गया बहुत बधाई की गल है और इदा ही नाल काम करते रहेंगे। फ्रेश टेंडर जो करावे उदो रेट वध तो वध इन्हों दवा ठीक है जी। तो एग्रीमेंट जैसे मैं कह रहा गलत एग्रीमेंट ही है सारे नाल बैठ के एग्रीमेंट होया बाकी रिटर्न एग्रीमेंट 2-3 दिन कंपनी का गुड़गांव तो आ के करा। इस मौके आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज प्रेम कुमार ने कहा कि यह यूनियन के संघर्ष की जीत है। देखो गल इस तरह है जी, पिछले 18 दिन तो साढ़े ट्रक ऑपरेटर यूनियन जी फिलौर दी आ और उन्होंने नाल साढ़े बहुत ही सत्कारित किसान मोर्चा साढ़े कामरेड साथी वख वख जथेबंदियों के जिन्हें भी आगू साहबान सन जिन्हें भी लीडर साहबान सन और वलंटियर साहबान सन इन सारे ने पिछले 18 दिन तो बहुत ही एके का सबूत दिता। ये रही गल धरना लाने की, धरना इस करके लाना पैंदा है कि जदों जिहड़ियां मंगां जां जदों कोई ज्यादतियां हुंदियां उस वेले संघर्ष छेड़ना पैंदा। इन्हां दा पिछले 5 साल तो जदों कांग्रेस सरकार सी उस वक्त जिहड़ा हैगा इस ट्रक ऑपरेटर यूनियन नूं अखों परोखे करके वाहलियां जिहड़ियां ट्रांसपोर्टां आ उन्हां नूं चोर दरवाजे राहीं इन्हां कंपनियां दे विच जिहड़ा अंदर वाड़िया सी अपने निजी हितों लिए अपने निजी मुफाजा के लिए उन्होंने वख-वख रूप दे विच इतों पैसा एकत्रित किया आ परंतु जिहड़े साडे ये भरा ने जिन्हां दे कोल ट्रक सी तकरीबन 350 उन्हां ट्रकां दे विचों मेरे ख्याल से लगभग 200 रह गया होना बाकी 150 रह गया बाकी सारे जिहड़े हैगे कैश्तां टुट्टण करके जां वो जिहड़े ट्रक जिहड़े हैगे आ खड़े होण करके रकारा करके कई बार तो उत्थे कुआड़ तक भी वेचने पए आ परंतु सानूं बड़ा अफसोस हैगा और उन्हां नूं रोजी रोटी दे लाले पै रहे हैगे आ उस लई जिहड़ा हैगा 18 दिन जिहड़ा हैगा संघर्ष इन्हां नूं करना पिया। अज मानयोग ADC साहब ने और उपर जिहड़े हैगे आ पैपसी प्रोजैक्ट दे जिहड़े अधिकारी आ कंपनी दे मालक आ असी भी उत्थे सारे बैठे सी अमरीक सिंह जी हुणी सारे असी जथेबंदी दे रणजीत सिंह पोला जी प्रधान जिहड़े साडे सी उह सारे उत्थे उहनां नाल बैठ के मीटिंग कीती हैगी आ और ADC साहब आप जिहड़ा हैगा अज उस मीटिंग दा जिहड़ा हैगा आ खुलासा करके गई आ लोगों की जित हुई आ। ये दुआबा ट्रस्ट जिहड़ा हैगा ट्रक ऑपरेटर जिहड़े यूनियन फलौर दी आ उहनां दे राहीं उहनां दी बैल्टी जिहड़ी हैगी आ पैपसी दे विच चलेगी और 10% जिहड़ा हैगा रेट इनक्रीज़ करन दा जिहड़ा हैगा वो गल हुई हैगी आ। परसों जिहड़ा हैगा आ उन्होंने कहा भी उन्होंने अधिकारी आउणगे वो आण के जिहड़ा हैगा लिखित रूप दे विच एग्रीमेंट करनगे। उधर ट्रक यूनियन फिलौर के प्रधान रणजीत सिंह पला ने प्रशासन का धन्यवाद किया। इस तो इलावा उन्होंने सारिया ही जथेबंदियों का भी इस संघर्ष में सहयोग करने धन्यवाद किया। अज साडियां मंगां मन लईआं 80% मन लईआं बाकी उन्होंने कल PB उन्हों का जोड़ा विश्वनाथन उन्हें आना उन्हें सा एग्रीमेंट करना तो साड़ी बैल्टी चलूगी यूनियन की जो सानू इनक्रीज दिती आ वो तो सानू दिती जाऊगी बाकी जिहड़ियां छोटी छोटिया गल्लां आ वो असी उन्हां नाल बैठ के टॉक टेबल कर लेनी। साड़ी पहली गल तां भी असी साड़ी यूनियन की बैल्टी लगनी चाहिए आ वो ADC साहब ने सानू अंदर गल करके सारा कुछ सानू दसता भी तुहाडी ही बैल्टी लगेगी। दो घंटे इन्हां दी ऑनलाइन गड़गावां इन्हां दी सारी मीटिंग चल रही सी वो आपां नूं ए सारा मैनेजमेंट जिहड़ा हैड आ ये गड़गावां आ कुछ बंबे आ कुछ गड़गावां ये उत्थों अप्रूवलां लैंदे सीगे वो सानू फिर सानू गाहां टेक ओवर करदे सी। अज दे फैसला संतुष्ट है जी? हाँ जी संतुष्ट है। एक जो कोल बंद दी कॉल दित्ती गई नैशनल हाईवे हुण खुल्ला ही है? हाँ खुल्ला ही है।